अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। आज सबसे पहले बात की जाएगी दो जज़ायर के हवाले से जो कि पोर्ट कासिम के करीब दो जज़ायर हैं और उस पर एक बहस छिड़ी हुई है कि ये सिंध हुकूमत की मिल्कियत हैं या वफाकी हुकूमत की मिल्कियत हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि फेडरल मिनिस्टर अली जदी साहब ने पेंडोरा बॉक्स खोला और एक हवालगी ख़त दिखाया गया कि जिसमें सिंध हुकूमत ने खत में ये लिखा था कि ये तमाम चीज़ों की मिल्कियत वफाकी हुकूमत को टेक ओवर की जा रही है, तमाम चीज़ें थी। अब कल हमने इस पर प्रोग्राम किया, सिंध के मिनिस्टर को लिया इस्माइल राउत साहब को, उन्होंने ये कहा कि हम इस ऑर्डिनेंस को नहीं मानते जो 2 सितंबर 2020 को सदर मुमलिकत का जज़ायर के मुतालिक जो ऑर्डिनेंस सामने आया था उस पर भी बड़ा शोर शराबा हुआ। उस ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ था कि तमाम चीज़ें और मिल्कियत ये जो है इस अथॉरिटी के अंडर आएगी। अब ये पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस है क्या, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे और बेसिकली ये मिल्कियत किसकी है, वफाकी हुकूमत की या फिर सिंध हुकूमत की। एक और चीज़ खबर सामने आई कि कराची के जजीरों के मामले पर सिंध हुकूमत ने अपना खत वापस ले लिया जो वफाकी हुकूमत को जुलाई में लिखा गया खत था और तामीर तरक्की के मामले पर टेक ओवर कर दी गई थी तमाम चीज़ें वफाक को। अब ये खिचड़ी बन चुकी है और इसके ऊपर सियासत भी की जा रही है। शुबली फराज साहब ने भी आज ये बात कही कि सिंध हुकूमत इस पर काम करने नहीं दे रही है जबकि तरक्याती काम है, रेवेन्यू जनरेट होगा और तरक्की होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, तमाम चीज़ें इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से MPA शहजाद कुरैशी। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। ये मामला कैसे सुलझेगा, ये दो आइलैंड्स का मामला है, वफाक की हुकूमत अपनी मिलके जाहिर कर रही है, सूबाई हुकूमत अपनी मिलके जाहिर कर रही है, ये मिलकियत है किसकी सर? देखिए ये जो मिलकियत है ये पाकिस्तानी आवाम की है, ना वफाक की है ना ये सिंध की है। ठीक है, प्लीज इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि इस ये जब जजायर जहां पर भी हो, और ये सिर्फ इन दो जजायर का मामला नहीं है, और भी जो 300-400 और जजायर हैं जब उनमें डेवलपमेंट होगी, हालात बेहतर होंगे, रोजगार मिलेगा, तो ये पूरे मुल्क को कौम का फायदा होगा और स्पेशली सिंध की आवाम का फायदा होगा, कराची की आवाम का फायदा होगा। ठीक है, पहले इजाजत देते हैं, पहले बयान देते हैं, हमें पता ही नहीं है ऑर्डिनेंस आ गया है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, बाद में हम जब वो दिखा देते हैं कि आप ही के तावुन से, आप ही की रजामंदी से ये सब कुछ हुआ हुआ है, तो बाद में फिर वो अपनी वही टिपिकल पॉइंट स्कोरिंग करके अपने आप को बड़ी जमा करने की कोशिश करते हैं, यानी वही वाली बात हो गई। अच्छा अच्छा है तो सिंध गवर्नमेंट का है, जरा सा अगर कुछ इनको अपने आप अपनी कश्ती। अच्छा, कल मेरे प्रोग्राम में बैठकर सूबाई वजीर सिंध इस्माइल राउत साहब कह रहे थे कि ये तो आईन से तजावुज कर रहे हैं, इस ऑर्डिनेंस को नहीं मानते हैं, तो ये ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है इसका मतन भी ये कहता है कि मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की मिजाज होगी वो ये अथॉरिटी होगी, ये तमाम चीजें, तो ये ऑर्डिनेंस के ऊपर तहफुजात है सिंध हुकूमत को सर? देखिए पहली बात तो ये है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि जजायर एक खास हद तक दूर हो। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता क्योंकि मैं बिलावजा बयान नहीं देता, नॉलेज का हूँ, लेकिन एक सम नॉटिकल माइल्स के बाद वो वफाक की मलकियत हो जाता है। इसको मुझे पता ही नहीं कि 8-14 है, कितना है, जिससे वो बांध हो तो वो वफाक हो जाता है। बात तो ये है, क्या इस खत से जो खत अब जो लेटर अब सामने आया है, क्या इससे ये बात नहीं हो, चलो सिंध गवर्नमेंट की सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया था, सिंध गवर्नमेंट लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है किस चीज के, अब इस कोई फायदे की सब मुझे कराची से ये अगर आ। शहजाद साहब को दोबारा से कॉल पे लिया जाए क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ हैं, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज़ हैं। बहरहाल कल जो मामला ज़ेरे गौर आया, सूबाई वजीर सिंध इस्माइल राउत साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के अंदर और वो ये कह रहे थे कि आइन से तजावुज़ किया जा रहा है और आइन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, आइन के मुताबिक तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अब कराची के करीब जजीरों पर नए शहर बसाने और तरक्याती मामले पर जो सिंध हुकूमत ने जुलाई में ख़त लिखा था वफाकी हुकूमत को, वो ख़त वापस ले लिया गया है और सेक्रेटरी काबिना डिवीज़न को सिंध के सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन की जानिब से लिखा गया ये ख़त था जो वापस लिया गया। अब ये तमाम मामले हैं उसमें ये तमाम चीज़ें टेक ओवर कर दी गई थी वफाकी हुकूमत को कि तरक्याती काम आपने करने, तो तरक्याती काम आप वफाकी हुकूमत करेगी। अब कल उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कही है कि ठीक है हमें काम करना था, तरक्याती काम वहाँ पर हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी, तो हमने वफाक को दिया। अब ये चीज़ एक चीज़ खुद खत जाहिर कर रहा है कि हमने तमाम जो खुद मुख्तारी थी वो वफाक को दे दी है, फिर ये कहते हैं कि ऑर्डिनेंस नहीं माना जा रहा है। आज ये बात सामने आती है कि ऑर्डिनेंस के ऊपर भी तहफुजात थे, तमाम चीज़ें थी, पर ये खत क्यों वापस लिया गया, ये भी एक अलग ट्विस्ट है।
दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं शहजाद कुरैशी, एमपीए पीटीआई। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया दोबारा ज्वाइन करने के लिए। गालिबन को टेक्निकल इश्यू हो गया था, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन अब ये मामला जिस तरह से सिंध हुकूमत क्रिटिसाइज कर रही है कि ये ज़मीन तो सिंध हुकूमत के अंडर आती है, सिंध हुकूमत की मिल्कियत है, फिर वहाँ पर माहीगीर रहते हैं, मछेरे रहते हैं, उनको वहाँ से ना छेड़ा जाए, तो क्या होने क्या जा रहा है इन आइलैंड्स के ऊपर? क्या डेवलपमेंट करके उनको रिप्लेस किया जाएगा? देखिए, एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है, हुकूमत कोई भी हो जी, और फेडरल गवर्नमेंट ने जो भी प्लान बनाए वहां पर डेवलपमेंट के, ऐसा नहीं हो सकता कि वहां के जो लोग, पहली बात तो ये जो बंडल डॉक आइलैंड है वहां तो कोई रिहायश है ही नहीं है, ठीक है, वहां पर कोई रिहायशी इलाका ही नहीं है, ये कहना कि वहां लोग रह रहे हो क्या होगा? और अगर लोग कहीं भी रह रहे हो और जिस एरिया के अंदर भी डेवलपमेंट हो रही हो, तो वहां के लोगों की जो जिंदगियों में बेहतरी आती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इनको एतराज है क्या कि वफाक एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, वफाक वहां पर नौकरियां पैदा होंगी, वफाक का कसूर ये है, वफाक एक डॉक आइलैंड जिसको बोले माजत के साथ कुत्ता आइलैंड कहते थे, उसको बंडल आइलैंड कहते हैं, जो आइलैंड भी है जिसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आई पिछले 70 सालों के अंदर, अगर कुछ बेहतरी नजर आ रही है तो उसमें इनको एतराज क्या है? इनका काम सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये चीज हो पाएगी और वफाक इसमें कामयाब हो जाएगा और यहाँ एक बेहतर मंसूबा बनने जाएगा। अब इनको मेरा ख्याल है इनकी डालें टपक रही हैं, इनको तो शायद ये, क्योंकि इनको तो करप्शन करने की आदत है, इन्होंने तो शहरों का हाल गांव जैसा कर दिया है, कराची को 20 साल पीछे ले गए, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो इसी तरह खेलते हैं, हमारी जमीन, हमारा सूबा, हमारा वो, तो क्या सूबा हमारा नहीं है? क्या पीटीआई को सपोर्ट नहीं मिले? कराची सिंध का हिस्सा नहीं है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ खुदा रखा काम हो रहा हो, पॉइंट स्कोरिंग छोड़ दें, आप ही के लिखा हुआ खाता है, आपकी रजामंदी के साथ ये काम हुआ है, अभी काम को होने दें, ये पूरी सिंध की आवाम, पूरे पाकिस्तान आवाम के लिए इंशाल्लाह फायदेमंद है। अच्छा, अब ये जो ऑर्डिनेंस है, पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, इसके हवाले से थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। 2 सितंबर 2020 को ये जारी किया गया, गालिबन अक्टूबर में ये सामने आया था, इस पर भी तहफ़ुज़ात थे कि इसमें जो जो बातें की गई हैं कि तमाम अथॉरिटी आपके पास होगी, यानी वफाकी हुकूमत के पास होगी, फिर इस पर कोई इदारा सवाल नहीं कर सकेगा, गालिबन इस पर जो अदालत का भी जिक्र है कि जो भी इदारे हैं उस पर उठाए गए जो इकदाम होंगे उस पर सवाल नहीं कर पाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि ये तमाम चीज़ें वफाकी हुकूमत के फेवर में ही जा रही हैं, सिंध हुकूमत को इस पर तहफ़ुज़ात हैं, कैसे दूर किए जाएंगे तहफ़ुज़ात? देखिए, पहले तो ये समझने की बात है कि वफाकी गवर्नमेंट आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, हमें तो उम्मीद है 2023 में भी हमारी होगी, लेकिन ये वफाक में कभी नहीं रहे, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले कभी भी वफाक में नहीं रहे, ये वफाक सिंध वफाक समझ से बाला करे, मुल्क और कौमी मफाद के अंदर कहीं पे भी जो काम हो रहा हो वो मैं समझता हूँ सिंध के अंदर, सिंध के किसी शहर में भी हो रहा हो, और अगर फेडरल कर रही हो, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, सराहेंगे, हमें सराहना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि इससे ओवरऑल हमारे मुल्क की इकोनॉमिकल कंडीशन पर फर्क पड़ेगा, रोजगार होगा, इस किस तरह से ले रहे हैं, मेरी तो समझ से वाला था, मुझे तो कभी कभी हंसी आती है कि कोई ना कोई ऐसा नुकता उठा तो कॉन्ट्रोवर्शियल कर दो और उसको फिर सोशल मीडिया पे लेकर आओ और इसको अपनी बनाओ और अच्छे से अच्छे मनसूबे को फेल कर दो। मेरा बिलाल आपसे एक सवाल है जी, क्या ये जजायर जो है इनमें अगर बेहतरी आएगी तो सबसे पहले सूबे को उसका फायदा होगा, किस शहर को उसका फायदा होगा, किस सूबे के शहरों को सबसे पहले फायदा होगा, और सिंध को, कराची को, हैदराबाद को? ये जजायर देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं जी, ये जो आइलैंड का जो आप जो कह रहे हैं ऑर्डिनेंस आया है, प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको किया है, इसमें 2, 3, 4 नहीं है, ये जजायर बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान के पास भी इसके जजायर होंगे, ये आगे आगे पूरे मंसूबे हैं, तो आप समझ लें कि अगर बलूचिस्तान के गवादर के पास कोई जजायर होंगे तो बलूचिस्तान को फायदा होगा, सिंध के पास होंगे तो पूरे सिंध को और कराची को इसका फायदा होगा, तो उसमें क्या एतराजात हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जमीन पर वफाक कब्जा कर लेगा? वफाक का कौन है? वफाक कहाँ से आया हुआ? इसी मुल्क का पार्ट है ना, इस मुल्क का हिस्सा है या नहीं है? हमें अब इन चीजों से दिखना होगा, दुनिया चांद पे और कहाँ कहाँ चली गई है, हम अभी तक इन्हीं चक्करों में पड़े हुए, मेरा तेरा। मुझे एक सिंपल सी मेरी एक सवाल इनसे ये, सिंध हुकूमत का तो रोना ये है कि खुद मुख्तारी के बाद, यानी 18वीं तरमीम के बाद, तो फिर इस लैंड का जो कब्जा है वो किसके पास होना चाहिए? अच्छा, तो एक मेरा एक सवाल है। हाँ। आप ये सोचें, 2 मिनट के लिए सोचें कि वफाक ने ये गलत किया है, वफाक ने ऑर्डिनेंस नहीं लाना चाहिए था, ठीक है, इनके पास कोई आइलैंड जो भी है, इसका कोई प्लान है?
इनसे ये पूछें कि आपने रजामंदी जाहिर क्यों की, इनसे ये पूछें आपने लेटर इशू किया, आप आप आपकी गवर्नमेंट है, आपका सीएम है यहाँ पर और आप एक लेटर इशू कर देते हैं, उसके बाद जब फेडरल गवर्नमेंट उस पर पूरा काम कर लेती है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जाती है तो आप इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बना देते हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं, कल मेरे प्रोग्राम में बैठकर ये कहा, कल मेरे प्रोग्राम में ये कहा कि हमने सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, कि भाई किसी ना किसी को तो डेवलपमेंट करनी है, वफाकी हुकूमत की मदद से हम डेवलपमेंट करवाना चाहते थे आइलैंड के ऊपर, तो हमने इसीलिए उनको जिम्मेदारी दी कि आप टेक ओवर कर लें, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं था कि तमाम मिल्कियत वफाक की हो गई है। ये मौकफ दिया गया है कल मेरे प्रोग्राम में। ये ऐसे ही है बिलाल, मैं आपसे कहूँ कि मेरी जमीन पे घर बना लें जी, और उसके बाद आप घर बना के ना जमीन खाली कर दीजिए, जो भी प्राइवेट पार्टी हो जी, जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे, जिनको भी वहां पर जो भी हो, एक लीगल प्रोसेस होगा पूरा, एक पूरा प्रोसीजर को फॉलो होगा, जाके वो वहां पर कंस्ट्रक्ट करती है तो क्या सिंध गवर्नमेंट को जाके दे देगी? कॉमन सेंस है ना, इसको इनको ये भी समझना चाहिए, जो पार्टी भी वहां पर आके, नहीं तो एक मुआयदा हुआ होगा ना कि हम टेक ओवर करेंगे या फिर हमारी मिल्कियत होगी या फिर सिर्फ डेवलपमेंट हम करेंगे या परसेंटेज होगा, वो एक मुआयदा हुआ होगा ना। अब ये सिंध हुकूमत ने खत भी वापस लिया है, तो इससे फिर आगे क्या मामला सॉल्व होता दिखाई दे रहा है और उलझता दिखाई दे रहा है शहजाद? देखिए मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बोल दूं, हम तो ये चाहते हैं कि वहां पर डेवलपमेंट हो, ठीक है, अगर इनसे कुछ एतराजात हैं, अगर चाहे एतराजात हैं कौन में आता है, पहले तो उन्होंने कहा हमने परमिशन दी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लेटर आज पूरे सोशल मीडिया पे है, कल से है बल्कि, और सारी दुनिया ने देख लिया, वो अली जैदी साहब कल ट्वीट भी कर चुके हैं उस पर। देखिए ना ये एक अजीब सी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं, क्योंकि देखें हम पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चलना चाहते हैं, वजीर आजम इमरान खान पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चलना चाहते हैं, अगर हम अभी भी समझते हैं कि एतराजात हैं तो हम बैठ के बात करने को तैयार है, हमें कोई एतराज नहीं है, सिंध की और पाकिस्तान की तरक्की के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है हमारी, मतलब ये बात अंडरस्टूड हो गई है कि अब ये वफाक की ही मिल्कियत है, ये जो जजायर है और खासतौर पर ये दो आईलैंड है जिस पर बहस छिड़ी हुई है, ये वफाक के अंडर ही आती है, ये बात अंडरस्टूड है, खत्म हो गया मामला। देखें मैं आपसे और बार कहूँ, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वफाक के अंडर में सिंध में, मैं एज अ सिंध का और पाकिस्तानी शहरी ये चाहता हूँ, ये जो बंजर पड़े हुए आइलैंड है जिसका बुरा हाल है, अगर इससे हजारों लाखों रोजगार लोगों को मिलता है और यहाँ हमारे मुल्क में और हमारे सूबे में हमारे शहर में बेहतरी आती है, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और मेरे लिए खुशी का ये है, दुनिया तो लोगों ने आइलैंड्स को डेवलप किया हुआ है और वहां पर आपको पता है टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, हम क्यों नहीं कर सकते ये हमारे मुल्क में, ऐसी क्या हम ये चीजें नहीं कर सकते? अगर एक अच्छा काम होने जा रहा है बिलाल तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। चलें शहजाद, बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम के, आपने वक्त दिया। शहजाद कुरैशी एमपीए पीटीआई हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई का मौकफ बयान किया जा रहा था। अब तक ये बात वाजह है कि भाई ये वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है, वफाक ने इसके ऊपर काम करना है, सिंध एतराजात करती रही लेकिन सिंध ने जो खत जुलाई में लिखा था वो भी वापस ले लिया गया और इस ऑर्डिनेंस को, ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, जो 2 सितंबर 2020 को सदर की मौजूदगी में, सदर मुमलिकत ने यह ऑर्डिनेंस सामने जो आया, तो इस पर तहफ़ुज़ात अभी भी मौजूद हैं। अब देखना है कि आगे मामला कैसे हल होगा। एक वक्फा लूँगा, इसके बाद दीगर स्टोरी पर बात करेंगे।